बोलना चाहते हो? अभी देखिए मौसम अभी ठीक ही चल रहा है। अच्छा, दिन भी तो सही चल रहा है ना, मौसम सही है तो काम काज नहीं, अभी घूम ही रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं वीडियो बना लेते हैं। ककरे साथ? आप ही के साथ, ठीक है ना? काहे वीडियो बनाइएगा? अभी हम जा रहे हैं बिच्छन का खेत। अच्छा, आप लोग इंतजार कीजिए, वहाँ जाके दिखाएंगे क्या होता ठीक है, बिच्छन का साइज क्या है, कब धान लगेगा। बिच्छन समझते हो ना? हाँ, बोलवा ना हो धान का। हाँ, मैं अपने बिच्छन के खेत में हूँ। आप देख सकते हैं ये बिच्छन है। अच्छा, बिच्छन है ये होता क्या है ना कि इसको आप लोग जानते हैं क्या कहता है, दिखाओ जी उनको। इसको बिच्छन बोला जाता है, ठीक है। मतलब धान का बीज खरीदा जाता है या फिर किसान लोग धान रखते हैं तो उसको क्या करता है, भिगा के रखता है 24 घंटा, फिर उसको अच्छे से धो धा के उसको जो राख होता है जो जलावन का, उस राख पे देके फिर उस पर पुआल बोरा उरा देके उसको क्या कहता है, उसको गर्म किया जाता है, यानी ईंटा उटा देके चाप दिया जाता है। फिर 2-3 दिन बाद जब उसका अंकुरित हो जाता है वो बीज इतना बड़ा बड़ा, तब इसको ला के खेत में छींट दिया जाता है और कुछ दिन बाद तब इस तरह का हो जाता है। और अभी ये जो ये आपको बता दूँ, ये मेरा खेत में लगेगा हम लोग का, और ये आपका जनवरी फरवरी में लगेगा। तो तब क्या होता है कि इसमें फिर मजदूर करके अपने से कट्ठा के हिसाब से मारा जाता है। अगले बार 900 रुपया कट्ठा चला था, शायद इस बार 1000 या 1100 रुपया कट्ठा ले। इसको फिर मजदूर द्वारा धान के खेत में लगाया जाता है और फिर धान 4 से 5 या 6 महीने में कटता है, तब जाके धान आता है। तो आइए मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ। ये आ जाइए मेरे साथ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये अलग बिच्छन है, इधर देखा, और ये आपका अलग बिच्छन है। ये हो गया खंडो, और ये हो गया खंडो, और ये हो गया 1064 धान, जिसको 1064 भी बोलते हैं। तो देखिए फिर मेरा अगला वीडियो क्या होता है।